एचजी इंफ्रा में 1364 के टारगेट के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की राय। आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ जबलपुर से रीना चौहान है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, मुझे आईओसी पर पता करना है। आईओसी के मेरे पास 2000 शेयर्स हैं 87 के रेट पर, और दूसरा है मेरा यस बैंक, वो 23 रुपीज के रेट पर है 6000 शेयर्स। ओके, और कब तक रखने का प्लान है मैम आपका? मेरा लॉन्ग टर्म का है। ओके, बिल्कुल। आईओसी पर पहले राय, तो 87 बोला ना आपने, आपकी खरीद है मैम? यस यस 87। ओके, और यस बैंक पर लगभग 23 की खरीद, तो आईओसी में तो अच्छा मुनाफा इनके पास है। क्या रहेगी राय, और यस बैंक पर आपकी स्ट्रेटेजी? देखिए पहले तो स्वाति, यस बैंक पे मेरी कोई राय नहीं है, तो मैं तो उछाल पे निकल जाने की सलाह दूंगा। बैंकिंग में बहुत सारी कंपनियों के अच्छे नतीजे दिखे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत SBI पे। डेफिनेटली आप स्विच ओवर कर सकते हैं SBI पे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस, ICICI काफी अच्छे नतीजे दे रहे हैं, तो ये भी आप विकल्प देख सकते हैं। रही बात इनकी IOC की, तो अच्छा खासा मुनाफा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में IOC में आप बने रह सकते हैं। थोड़ा सा क्रूड का उठा पटक जरूर रहेगा जो इसको वोलेटाइल बनाता है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी क्रूड जो बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में ऊपर नीचे हो रहे थे, IOC पे आप बने रह सकते हैं एटलीस्ट 6 से 12 महीने का नजरिया रखें। ओके, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए सिद्धार्थ जी की पसंद। अगले कॉलर सहारनपुर से अनिल जी हैं, उनसे भी बात करें।